नमस्कार, बीकास टेक का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएनबी वन करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्ले स्टोर में जाके आपको पीएनबी वन ऐप्स इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका बैंक अकाउंट पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो वाला सिम इस फोन में रहना चाहिए। उसके साथ सिम में एसएमएस पैक भी रहना जरूरत है। चलिए अभी हम हमारा जो पीएनबी वन है हम ओपन कर लेते हैं। काफ़ी सारा लोगों का पीएनबी वन दो लगता है, यानी करेंट अकाउंट के लिए एक और सेविंग्स अकाउंट के लिए एक। करेंट अकाउंट के लिए जो है वो हम नॉर्मल में रखें और ये हमारा ड्यूअल पेस है, इसलिए मैं इधर ये ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये लॉक हुआ है, ये हमारा ड्यूअल पेस है। तो चलिए पीएनबी वन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के टाइम पे इस तरह आपका इंटरफेस आएगा। इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई देते हैं प्रोसीड टू लॉगिन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे इधर दो ऑप्शन आते हैं, एक है रजिस्टर विद डेबिट कार्ड, रजिस्टर विद आधार। ये जो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया था जो डेबिट कार्ड छोड़ के भी आप कैसे आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मैं रजिस्टर विथ आधार पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इधर जो टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं इधर शो करता है, तो मैं नीचे में स्क्रॉल करता हूँ। इसके बाद देखिए इधर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इधर एक फंडा आपको मिलता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस नहीं होते हैं। क्या इधर आपका अकाउंट नंबर देना है, सेविंग्स अकाउंट हो और करेंट अकाउंट हो। इसके बाद पैन में ऑप्शन है, पैन और डेट ऑफ बर्थ दोनों दिखाई दे रहे हैं। पैन और डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है, इधर पैन में टिक करेंगे ना डेट ऑफ बर्थ के क्लिक टिक करेंगे। जिसका करेंट अकाउंट है ये पैन पे टिक करना है, इधर पैन नंबर एंटर करना है। जिसका सेविंग्स अकाउंट है इसका इधर आपको डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ इधर डालना है। ओके, तो मेरा करेंट अकाउंट में अभी रजिस्टर करूंगा, तो इसीलिए मैं पैन को चूज कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊंगा ये जो चैनल के बारे में बता रहे हैं। चैनल आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज करना चाहते हैं ना मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस यूज करना चाहते हैं। मैं तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों को लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको टिक करूँगा। इसके बाद आते हैं जो व्यू मोड है, प्रेफरेंस मैं आपको बताऊँगा। तो पेफर मूड इधर व्यू ओनली का ऑप्शन है, इसके बाद व्यू एंड ट्रांजेक्शन है, ये व्यू एंड ट्रांजेक्शन पे आपको रखना है। चलिए मेरा जो अकाउंट नंबर है वो हम एंटर करते हैं, उसके बाद पैन नंबर एंटर करना है। आपका जो अकाउंट है उसी के हिसाब से आपको इधर डाल देना है। पूरा डिटेल्स देने के बाद इधर आपको कंटिन्यू जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा, जब आप प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तब देखिए आपका नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा, जिसका मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं लास्ट में 3335 है। तो इसी नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP आपको इधर एंटर करना है। OTP नहीं जा रहा है तो आप इधर जो सेकंड दिखा रहा है इस सेकंड के अंदर आप अपना OTP अगेन रिसेट कर सकते हैं। बट चलिए मैं जाता हूँ मेरा मैसेज पे, मेरा OTP रिसीव हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। अभी तक कोई रिसीव नहीं हुआ है OTP, तो वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम के अंदर हमारा फ़ोन पे OTP आ गया था, तो मैं इधर OTP एंटर कर दिया हूँ। इसके बाद देखिए कंटिन्यू जो ऑप्शन है इधर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपको इधर अपना आधार कार्ड पूरा डालना है। तो चलिए मेरा जो आधार कार्ड नंबर है मैं इधर डाल देता हूँ। उसके बाद इधर जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो घर है इधर आपको क्लिक करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों हमारा जो आधार नंबर था पूरा हमने दे दिए है। इसके बाद आपको सबमिट जो ऑप्शन है इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है। काफ़ी सारा टाइम इस जो सर्वर है इसका जो सर्वर है सर्वर प्रॉब्लम रहता है सर्वर में, काफ़ी सारा टाइम देखेंगे उल्टा पाल्टा एरर मैसेज देगा काफ़ी सारा टाइम, ठीक है, अनेबल टू वेरीफाई। ओके, बहुत सारा मैसेज देगा। यह देखिए आधार नंबर इज नो फाउंड, प्लीज़ विजिट ब्रांच, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो इसी तरफ का जो मैसेज है ये भी आपको दे सकता है। बट मैं आपको बताऊंगा इस तरफ का जो प्रॉब्लम है ये कुछ टाइम के लिए आता है,
क्योंकि बैंक मैनेजर का जो काम है आप बताएंगे, जो हमारा जरूरत है मैं आधार से अर्जेंटली इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो आपको अगेन KYC करवा के देगा। बट मैं आपको बताऊंगा तो ये कुछ हमारा जो प्रॉब्लम था उन्होंने बैंक मैनेजर ने बता दिए हैं ऑलरेडी, जो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट ओपन करने के बाद 3-4 दिन वेट करना पड़ता है क्योंकि डिटेल्स सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं अगेन एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो ये जो बता रहा है इस तरह का कुछ एरर आ रहे हैं, तो अभी क्या करना है, ये जो प्रोसेस इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना था। लॉगिन पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका जो ये जो ऐप्स है ये रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार बैंक में जाके विजिट कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो सकता है। दोस्तों अभी मैं लॉगिन करूंगा, इधर देखिए हमारा यूजर आईडी दे दिया। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ टाइम ये लोडिंग लेता है और काफ़ी सारा टाइम इसका सर्वर इशू रहता है, तो सर्वर इशू के टाइम पे आप ट्राई करेंगे तो ये नहीं होगा। इसके बाद ये सिम वेरीफाई करने के लिए बता रहा है, तो हमारा फोन पे एक ही सिम है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो इसको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सिम वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए इधर OTP आपको देना पड़ेगा, इसी नंबर पे OTP आएगा। बट काफ़ी सारा टाइम OTP सही तरीके से देने के बाद भी ये रॉन्ग बताते हैं, और 3 बार आप OTP दे देंगे तो ये 3 बार ही आपको रॉन्ग बताएगा और आपका जो अकाउंट है वो टेम्पोरली ब्लॉक कर देगा। बट आप नेक्स्ट दिन अगर ट्राई कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। काफ़ी सारा टाइम लोगों का जब नया यूजर लॉगिन करने जाते हैं प्रॉब्लम रहता है, कुछ सर्वर इशू रहता है, तब ये नहीं होते हैं। बैंक के जाने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पहले नंबर पर OTP नहीं आता है, 2nd बार OTP आता है। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ OTP के लिए। इधर रीसेंट वाला जो ऑप्शन आएगा तब मैं रीसेंट करूँगा, तब OTP आ जाएगा। ये देखिए रीसेंट ऑप्शन आ चुका है, तो रीसेंट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए OTP हमारे नंबर पे आ जाएगा, देख सकते हैं OTP आ चुका है। तो मैं OTP एंटर कर देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू जो ऑप्शन इधर दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए PIN सेट करना है, ऊपर में जो पिन देना है नीचे में भी पिन देना है, सेम टू सेम पिन देना है। तो चलिए 4 अंक का जो पिन है दे देता हूँ मैं। देखिए PIN जो हुआ है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अभी साइन इन पे क्लिक करना है, इधर हमारा जो PIN है वो डाल देना है। PIN देने के बाद देखिए ये हमारा जो सिस्टम है पूरा लॉगिन हो चुका है, हम लोग पूरा सिस्टम में लॉगिन हो चुके हैं। और इधर से मैं मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है सब कुछ देख सकता हूँ, और अकाउंट भी लिंक कर सकता हूँ, मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, A to Z सब कुछ कर सकता हूँ। इसी तरफ से अपने PNB1 को रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।